Hello students, how are you? I hope you are all well, okay, and studying at home. So in last session we discussed chapter 3, citizenship. So today we will continue this chapter. After discussing about social institutions, voter identity cards, okay. So then Rajul Bhai is curious to know the meaning of the term citizen and citizenship, okay. So let's start. We continue with the meaning of citizen and the meaning and meaning of the citizenship. Okay, so after seeing the voter identity card, Rajul was curious to know about the meaning of term citizen and citizenship. Okay, ki nagrik aur nagrikta kya hoti hai. So then he then asked his grandfather for an explanation of the same. His dadaji told him in detail the word citizen is frequently used in democracy and added that it often used in politics by the law, the constitutions and the speeches of the political leaders. He knew that Rajul want to know more about the term citizen. So a person living in a village, city or a town. एक भी कोई भी व्यक्ति जो किसी विलेज टाउन या सिटी में रहता है उस सिटीजन कहा जाता है. बट दिस मीनिंग इज लिमिटेड. इसका एक लिमिटेड मीनिंग है. जनरली स्पीकिंग अ पर्सन हु लीगली बिलोंग टू अ कंट्री, जो कि कानूनी तौर से एक लिंक होता है उसका अपनी कंट्री से एंड हैज़ ए राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री. उसके पास राइट होता है अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन का. इज अ सिटीजन ऑफ that country. And Indian citizen has a deep love for his country and takes pride in the fact that he is an Indian. So जो हमारे जो भारत के जो नागरिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सबको अपनी कंट्री से बहुत प्यार होता है और उनको हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं. ही कोऑपरेट विद अदर सिटीजन्स एंड सर्व द नेशन एंड इन रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट गिव हिज राइट टू इंजॉय. तो वो कोऑपरेट करता है अपनी नेशन के साथ तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है उसको राइट देती है इंजॉय करने का. द इंडियन गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नॉन रेजिडेंट इंडियन एज वेल. जो भी इंडियन गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन की तो लाइफ का जो है वो केयर तो करती है, टेक केयर करती है, बट उसके साथ जो नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस हैं उनकी भी प्रॉपर्टी या उनका जो भी केयर उनकी जो लाइफ है उसकी केयर करती है. तो एन इंडियन सिटीजन नेवर काजेज हार्म टू द अदर कंट्री आर ए नेशन. तो जो एक आइडल सिटीजन होता है वो कभी भी किसी को भी हार्म नहीं करता. सिटीजनशिप, एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज नॉट ए सिटीजन. समझ में आया आपको कि जो भी व्यक्ति जो इंडिया में रहते हैं उसको आप सिटीजन नहीं कह सकते कि वो इंडिया के सिटीजन्स हैं. आउट ऑफ दिस पीपल मोस्ट आर इंडियंस एंड सम आर द फॉरनर्स. मतलब हमारे इंडिया में कुछ लोग जो है बाहर से अदर कंट्रीज़ के भी हैं जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, तो वो हम उनको इंडिया के सिटीजन नहीं कह सकते. तो मैनी people come to India from other country and stay for sometimes. So that the temporary stay. मतलब some time के लिए वो हमारे इंडिया में आते हैं, temporary stay करते हैं. They do not have to right to vote. उनके पास right to, मतलब एक right नहीं होता है vote डालने का. Participate as a candidate in elections. इलेक्शन में एक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट और इन्जॉय अदर राइट्स. कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट है उसके लिए वो उसको वो इन्जॉय नहीं कर सकते. मतलब वहाँ पे वो जॉब नहीं कर सकते. देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन. उनको हम इंडियन सिटीजन नहीं कहते. दे आर द सिटीजन ऑफ देयर ऑन कंट्रीज. वो आप सिटीजन होते हैं अपनी कंट्री के. तो पीपल फ्रॉम यूरोप, USA, रशिया, जापान एक्सेट्रा कम टू इंडिया टू स्टडी, टू विजिट आर टू वर्क इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. तो पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ओके, हमारे देश में आते हैं काम करने के लिए. इन्वेस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट नॉट आर नॉट इंडियन सिटीजन. तो हम उनको इंडियन सिटीजन नहीं कह सकते. जो परमानेंट इंडिया में रहते हैं उन्हीं को सिटीजनशिप जो है वो मिलती है. तो थिंक अबाउट इट, हु विल यू कॉल अ सिटीजन ऑफ इंडिया. किसे आप
सिटीज़न कहेंगे इंडिया का, तो अ पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, एक तो जिसका जन्म हुआ है इंडिया में, हु स्टे परमानेंट इन इंडिया, ओके, हु हैज़ राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स, ओके, मतलब जिनके पास राइट होता है वोट डालने का, जो परमानेंट अपना इंडिया में रहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड हु परफॉर्म हिज ड्यूटीज टुवर्ड इंडिया इज कॉल्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके. सो सिटीजनशिप मीन्स टू स्टे परमानेंट इन इंडिया, ओके, जो परमानेंट इंडिया में रहते हैं, एंड कंट्री टू इंजॉय द राइट गिवन बाय अ स्टेट एंड परफॉर्म हिज ड्यूटी इंटरेस्टेड टू ए पर्सन, अ पर्सन गेट आर लूजेज अ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग द रूल प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो सिटीजनशिप तो है वो सबको मिलता है, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो आप ले सकते, आपको मतलब गेट कर सकते हो, लूज़ भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप इज़ गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति के पास सिंगल सिटीजनशिप अगर हम इंडिया में रहते हैं, और अगर हम फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं तो हमें, हम फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप अगर हम वहाँ की लेते हैं तो हमें अपना यहाँ का सिटीजनशिप जो है वो छोड़नी पड़ती है, ओके. मतलब हम एक ही सिंगल जो है सिटीजनशिप हमें मिल सकता है. सिटीजन्स में बिलोंग टू गुजरात आर द महाराष्ट्र बट ही इज़ नॉट इंटाइटल टू गेट ड्योर ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन. मतलब जैसे आप गुजरात में रहते हैं, कुछ लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मतलब उनको एक ही जगह का सिटीजनशिप जो है मिल सकता है, गेट ओनली वन सिटीजनशिप एंड दैट इज़ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो थिंक अबाउट इट, द कैन द फॉरनर्स हु कम इन इंडिया इन लिव इन इंडिया वी कॉल्ड इंडियन सिटीजन. जो फॉरनर्स जो होते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, क्या आप उनको कह सकते हो कि ये इंडियन सिटीजन्स हैं? तो सम पीपल्स फ्रॉम द कंट्रीज लाइक यूरोप, अमेरिका, रशिया एंड जापान कम एंड स्टे इन इंडिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड टाइम, ओके, दे डू नॉट स्टे इन इंडिया परमानेंटली. सो दे हैव नॉट राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, टू वोट, टू एज्यूम एनी पोजिशंस इन गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन एन अदर एनी अदर राइट्स. तो देयरफॉर दे कैन नॉट बी कॉल्ड इंडियन सिटीजन्स. उनके पास वो रहते हैं लेकिन उनके पास राइट नहीं होता, तो उनको हम इंडियन सिटीजन जो है वो नहीं कह सकते. हाउ इज़ द फॉरनर्स डिफरेंट फ्रॉम एन इंडियन सिटीजन्स? तो फॉरनर्स जो हैं वो किस तरह से अलग हैं? तो एन इंडियन सिटीजन्स इंजॉय ऑल पोलिटिकल एंड सोशल राइट्स given by the state government, while a foreigner staying in India is not given a such rights. तो जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट्स होता है, लेकिन जो फॉरनर्स होते हैं उनके पास राइट नहीं होता है. सो दिस इज़ हाउ फॉरनर्स डिफरेंट फ्राम ए इंडियन सिटीजन्स, ओके. सो वट डू यू मीन बाई सिटीजनशिप? तो सिटीजनशिप मीन्स टू अ स्टे परमानेंट इन इंडिया एंड इन्जॉय द राइट गिवन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट एंड टू परफॉर्म द ड्यूटी इंटरेस्टेड बाय स्टेट एंड टू बी लॉयल टू द नेशंस, ओके. एंड हाउ टू गेट एन इंडियन सिटीजनशिप? कैसे आप इंडियन सिटीजनशिप है जो ले सकते हैं? तो देर आर द फोर वेज ऑफ गेटिंग एन इंडियन सिटीजनशिप. आप चार तरीके से, मतलब फोर वेज होते हैं आपके पास, जो आप इंडियन सिटीजनशिप जो है वो आपको मिल सकता है बाय बर्थ. तो आपका जन्म जो है वो इंडिया में होता है, बाय लॉ, कानून की से, बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि मुझे इंडिया की, जो मतलब किसी अदर कंट्रीज़ की का सिटीजनशिप चाहिए. और फोर्थ जो है, बाय बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड. जब आप वहाँ पर एक डेफिनेट, मतलब लंबे समय के लिए वहाँ रहते हैं, तब भी आपको सिटीजनशिप जो है वो मिल जाता है. तो अ पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया गेट इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली. जब उसका बर्थ होता है तो उसको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाता है. अ चाइल्ड हु इज़ बॉर्न इन फॉरेन कंट्री बट एज इंडियन पेरेंट्स हैज़ राइट टू इंडियन सिटीजनशिप.
और लेकिन एक बच्चा जिसका जन्म फॉरेन कंट्री में होता है लेकिन उसके जो मदर जो पेरेंट्स हैं उसके वो कहाँ के, इंडिया के, तो उसके पास एक राइट होता है इंडियन सिटीजनशिप का. तो फॉर एग्जांपल मतलब श्री शेख एंड हिज वाइफ आर बोथ इंडियंस, दोनों इंडियंस हैं आर स्टेइंग इन यूएसए. तो नदीम देयर सन इज बॉर्न, तो नदीम जो है उसका सन है इसका जन्म हुआ है कहाँ पर, यूएसए में. श्री शेख रजिस्टर द नेम ऑफ नदीम इन द ऑफिस ऑफ इंडियन एम्बेसडर्स, मतलब उसने उसका नाम जो है वो इंडिया में लिखवाया. दस द नदीम गेट द सिटीजनशिप ऑफ टू कंट्रीज, तो उसको दोनों कंट्रीज का सिटीजनशिप मिलता है, यूएसए एंड इंडिया. हाउ एवर वैन नदीम बिकम एन एडल्ट, जब वो बड़ा होता है ही हैज़ द सिटीजनशिप ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ इस चॉइस. तो फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको उसकी चॉइस होती है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है कि अपनी जहाँ पर उसका बर्थ हुआ है यूएसए में वहाँ का, तो उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है. नहीं तो पहले उसको दोनों कंट्रीज़ का जो है वो सिटीजनशिप मिलता है. तो थिंक अबाउट इट, द सिटीजनशिप ऑफ विच कंट्री कैन नदीम गेट एंड वाई, तो सिटीजनशिप जो है वो नदीम को मतलब कौन सी कंट्रीज़ का मिल सकता है, तो नदीम गेट द सिटीजनशिप ऑफ बोथ अमेरिका एंड इंडिया, क्योंकि उसको दोनों का मिलेगा बिकॉज ही इज़ बॉर्न इन द फैमिली ऑफ श्री शेख एंड हिज वाइफ स्टेइंग इन अमेरिका. सो श्री शेख हैज़ रजिस्टर्ड द नेम ऑफ नदीम इन द इंडियन एम्बेसी, तो सो उसको दोनों कंट्रीज़ का जो है वो मिल सकता है, लेकिन बाद में वो डिसाइड करेगा वैन ही बिकम वैन एन एडल्ट ही हैज़ द सिटीजनशिप ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ हिज चॉइस. तो हाउ डज नदीम एक्वायर सिटीजनशिप, तो नदीम जो है वो सिटीजनशिप कैसे ले सकता है, तो नदीम एक्वायर द सिटीजनशिप बाय टू वेज. ओके, एक तो सिटीजनशिप बाय बर्थ एंड सिटीजनशिप बाय लॉ. एक उसको सिटीजनशिप जो है वो बर्थ मतलब उसके जन्म के टाइम जो है उसको मिल सकती है जहाँ पर उसका जन्म हुआ है. फिर जो दूसरा उसका सिटीजनशिप क्या है, बाय लॉ मतलब कानून की तरफ से, कि मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करता है बाद में. तो बींग बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स इज़ वेरी नेचुरल वे ऑफ एक्योरिंग इंडियन सिटीजनशिप. जब आपका आपके पेरेंट्स इंडिया के हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप तो मिलेगी. इवन फॉरनर कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय अप्लाइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग स्टे. लेकिन जो फॉरनर्स हैं उनको एक लंबे समय के लिए इंडिया में रहना पड़ता है, फिर उनको जो है वो सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की. हाउएवर देर आर सम कंडीशंस, तब भी उनके सामने कुछ कंडीशंस जो है वो रखी जा सकती है. तो सो वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशंस. तो फर्स्ट कंडीशन इज टू सरेंडर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. उनको सरेंडर करनी पड़ती है सिटीजनशिप जो कि आपकी फॉरन कंट्री की है जब वो अप्लाई करते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ ही शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5 years, मतलब उनको रहना पड़ता है 5 साल से ज़्यादा इंडिया में. एंड थर्ड वन इज़ द इंटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट्स मस्ट बी वन ऑफ द परमानेंट रेजिडेंस, मतलब उसका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं अभी परमानेंटली इंडिया में ही रहूँगा. तो वो इस तरीके से उसके पास सारी कंडीशंस हैं जिस तरीके वो अपना अप्लाई कर सकता है हमारी इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए. हाउएवर इफ अ फॉरनर मैरिज एन इंडियन सिटीजन ही आर शी कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन. हाउएवर मतलब एक फॉरनर जो है मैरिज करता है इंडिया में तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है. थिंक अबाउट इट, द भौदम वाज फॉर बॉर्न इन न्यूयॉर्क एंड ही बिकम ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2002 एंड ही अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन द ईयर 2099. इन दिस केस विल ही गिवन इंडियन सिटीजनशिप आर नॉट बाय. तो आपको सोचना है इसके लिए कि जो बादम है उसका यो जन्म हुआ है कहाँ पर, यूएसए में, एंड ही बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2002 और वो 2002 में यहाँ पर रहता था कहाँ पर, इंडिया में, एंड ही अप्लाइड द इंडियन सिटीजनशिप इन द ईयर 2009 और उसने 9 में अप्लाई किया. इन द इन दिस केस विल ही गिवन इंडियन सिटीजनशिप, क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा. तो बॉटम कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप एज पर वन कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप. द एप्लीकेंट शुड बी स्टे इन 5 आर मोर देन 5 years, मतलब जो भी हमारे इंडिया में 5 years या उससे
ज़्यादा टाइम के लिए रहता है वो अप्लाई कर सकता है। तो इनकेस आप तो बॉदम हु इज स्टेइंग इन इंडिया सिंस द 7 ईयर्स, तो वो हमारे इंडिया में कब से रह रहा है, 2002 से, और उसने अप्लाई कब करा, 2009 में, तो उसको कितने साल हो गए, 7 ईयर्स। तो बॉदम हु इज स्टेइंग इन इंडिया सिंस लास्ट 7 ईयर इज इंटाइटल टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। एंड सेकेंड वन इज लूसी ऑफ कैनेडा मैरिड प्रोफेसर जैनी ऑफ गुजरात इन ईयर 2005। तो लूसी जो है कैनेडा से है, लेकिन उसने शादी कहाँ करा, गुजरात में 2005 में। विल शी बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप, उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। तो इन केस ऑफ द लूसी फ्रॉम कैनेडा विल गिवन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लॉ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, इफ़ अ फॉरनर लेडी मैरिज अ इंडियन सिटीजन शी कैन गेट द इंडियन सिटीजनशिप। तो अगर लॉ को देखा जाए तो फॉरनर लेडी जो है वो इंडिया के किसी सिटीजन से अगर शादी करती है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाता है। तो इन केस ऑफ लूसी फ्रॉम कनेडा ही मैरिड प्रोफेसर श्री जैनी, तो हु इज़ एन इंडियन सिटीजन, शी विल गिवन इंडियन सिटीजनशिप, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। ओके, सो इफ़ एन इंडियन सिटीजन कमिटेड टू सीरियस क्राइम ऑफ रिटायर देन ही लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है इंडिया के लिए कोई सीरियस क्राइम कर देता है, देशद्रोही हो जाता है, तो उससे सिटीजनशिप जो है वो छिन जाती है। तो रजुल सेड दादाजी आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिटीजन एंड सिटीजनशिप फ्राम यू विच आई विल पास ऑन टू ऑल माई फ्रेंड्स। सो रजुल दादा को कहता है कि मुझे बहुत कुछ मिला, तो आई थिंक यू आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटीजन एंड सिटीजनशिप, तो आपको भी बहुत सा इंफॉर्मेशन मिला होगा सिटीजन्स और सिटीजनशिप के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 3 सिटीजनशिप। ओके, सो नाउ वील डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप सिटीजन हैं इंडिया के, और वाई, तो येस आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंडिया, मेरा जन्म हुआ है इंडिया में, आई स्टे इन परमानेंट इंडिया, आई एंजॉइंग ऑल पोलिटिकल एंड सोशल राइट्स गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड आई परफॉर्म ऑल ड्यूटी फॉर माई कंट्री। एंड सेकेंड वन इज कैन वी बिकम अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री एंड हाउ, क्या हम और किसी कंट्री के सिटीजन बन सकते हैं और कैसे, तो येस वी कैन बिकम द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री बाय स्टेइंग 5 or more than 5 years इन दैट कंट्री एंड बाय गेटिंग मैरिड विद अ मैन और वूमेन ऑफ दैट कंट्री एंड बाय गिविंग अप द सिटीजनशिप ऑफ अवर कंट्री। तो एक तो हमें वहाँ पर परमानेंट मतलब सेटल होना पड़ेगा, वहाँ पर रहना पड़ेगा, द 5 years आर मोर देन 5 years, एंड और उसके अलावा अगर हम वहाँ पर शादी कर लेते हैं तभी भी हमें सिटीजनशिप मिलता है, लेकिन हमें अपनी कंट्री का सिटीजनशिप जो है वो गिविंग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कैन एनी फॉरनर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हाउ, येस कैन एनी फॉरनर टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर, येस अ फॉरनर स्टेइंग इन इंडिया सच दैन ए सिटीजन ऑफ अदर कंट्री कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ अवर country on the basis of his or her prolonged stay in India but subject to the following 3 condition for acquiring citizenship under the law. To humne already we will discuss about the condition 3 condition, so now we will discuss 3 conditions. So first condition is he or she must given up the citizenship of foreign country at the time of application for citizenship, or he or she must be a resident of India for 5 or more than 5 years. Okay, and third, the intention of an applicant must be to stay in permanent basis in India. So moreover, if a foreigner male or female get married to an Indian citizen, he or she can be the citizen of India. So fourth one is what happen when one accept the citizenship of any other country. तो क्या होगा जब हम किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं, तो इफ़ वन एक्सेप्ट द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री ही आर शी हैज़ लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया
वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ वन कमिट द सीरियस क्राइम आर ब्रिटाइल्स, जब कोई सीरियस क्राइम करता है, जब अपना देशद्रोही हो जाता है तो क्या होता है, इफ वन कमिट एन एंड सीरियस क्राइम ऑफ नेशनल ब्रिटाइल ही लूजेस इंडियन सिटीजनशिप. सॉरी, वट इज द ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन, तो आप इंडियन सिटीजन आइडल जो सिटीजन होता है उसका क्या क्या ड्यूटीज होता है, द ड्यूटीज ऑफ एन आइडियल सिटीजन आर ही शुड शो लव एंड लॉयल्टी टावर्ड हिज कंट्री, उसको अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए, हिज बिहेवियर शुड बी सच एट दैट इट एड टू प्राइड ऑफ हिज नेशन एंड ही शुड लिव विद कोऑपरेशन एंड हेल्पिंग एटीट्यूड विद द फेलो सिटीजन्स, ही शुड नॉट डू एनी एक्टिविटी विच इज हार्म द नेशन्स प्राइड एंड ही शुड अवॉइड द लॉ ऑफ नेशन, इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज ही शुड रेंडर हिज सर्विस टू अफेक्ट द पीपल होल अर्थली, तो मतलब हमारी जो ड्यूटीज हैं एक आइडल सिटीजन की. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 3. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.